सिर्फ तुम ही एक औरत हो जो ये कर सकती हो। बोलो दिव्या, निभाओगी अपना वादा? तुमने भरोसा किया है मुझ पर, तोड़ूंगी नहीं। मैं अपना वादा निभाने के लिए आऊंगी। तुम नहीं जानती तुम्हारे हार ने मुझे कितनी हिम्मत दी है। सच दिव्या, दादी ने बताया था ऊपर वाला अंधे गली से बाहर निकलने का रास्ता देता है। मुझे यकीन है ऊपर वाले ने तुम्हें ये ख्याल दिया होगा। उसी का फैसला है कि मेरी जिंदगी में रोशनी आए। एक मिनट सरिता। दीप, हाँ सरिता, मेरी वजह से तुम्हारा विवाह अधूरा है। मैं करवाऊंगी तुम्हारा पुनर्विवाह। राज के साथ, राज के साथ, राज के साथ। क्या कुछ ऐसा है जो मैं अब भी नहीं जानता? गौरव, मैं आपसे वो कहने जा रही हूँ जो शायद किसी भी दुल्हन ने अपनी शादी की विधियाँ रोककर नहीं कहा होगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख होगा, आपकी बहुत बेइज्जती भी होगी, फिर भी मैं ये शादी नहीं कर सकती। किसी ने भरोसा किया है मुझ पर, मेरी वजह से किसी की जिंदगी रुकी हुई है। वक्त आ गया है कि आगे बढ़कर मैं उसका हाथ थामूं। प्लीज। दी, ये सब क्या हो रहा है? आप बीच में से फेरे छोड़कर आ गई। चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है इसका जरूर किसी के साथ चक्कर है। अरे, छोटी बहू की सीरियल में जो हीरो था ना, उसके साथ इसका कुछ ना कुछ चक्कर तो उस टाइम पे चल रहा था। पेपर में कितने चर्चे थे पता है? गौरव की माँ को मैंने कितनी बार समझाया था, फोटो पर मत जाओ, नाम पर मत जाओ, पर नहीं, शादी करानी है तो सिर्फ छोटी बहू से। अब देख लिया ना तमाशा, है ना लड़की का किसी और के साथ चक्कर? बिल्कुल, और क्या। मैं तो इन टीवी वालों को अपने घर की दहलीज पर खड़ा ना रखूं। हाँ
छोटी बहू, ये क्या मजाक चल रहा है? इस तरह फेरे छोड़ के जाता है कोई? गठबंधन तोड़कर क्या साबित करना चाहती हो तुम? माना कि तुम बहुत बड़ी स्टार हो, लेकिन रीति रिवाज भी तो कोई चीज है। कर दिया ना अपनी ही शादी में अपशकुन। करो बेटा, दिखा दे हम आम लोगों का गुस्सा क्या होता है। कर ले शादी। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। गौरव, ये क्या पागलपन है? तुम शादी ऐसे कैसे रोक सकते हो? क्या हुआ बताओ। मां प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। मैंने दिव्या से अभी अकेले में बात की, उसे बताया कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। वो तो आपकी जिद के आगे झुककर मैंने हाँ कह दी। सच बात तो ये है कि मैं ये शादी, पत्नी, घर गृहस्थी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए। हमेशा हमेशा खुद की ही सोचता है। अरे कभी तो दूसरों के बारे में सोचा कर। एक बार इस लड़की के बारे में सोच। तूने तो इसकी मंडप में बेइज्जती कर दी। अरे इस बेचारी का क्या कसूर है? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। मैंने सोचा था मेरा बेटा मुझ पर गया है, ना कि उस इंसान पर जिसने मुझे और मेरे बेटे को अकेले छोड़ दिया। क्यों गौरव, उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए मैंने ये फैसला लिया। देखिए, हम दोनों मच्योर इंडिविजुअल्स हैं और एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए। आई जस्ट नीड सम टाइम। इसके आगे आपको जो समझना है आप समझे। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। गौरव जी, आप ऐसा भी करेंगे? कभी सोचा नहीं था। हमारी दी का मजाक बना दिया आपने। भैया प्लीज, आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूं। आंटी प्लीज, आप अपने बेटे को समझाइए। इतनी बेइज्जती, वो भी फेरों के वक्त। ये बातें दो चार दिन पहले भी बोल सकते थे, लेकिन अब क्यों? अब बोलते क्यों नहीं? समझाइए अपने बेटे को। आप चाहते हैं कि दिव्या हमेशा खुश रहे? आप चाहते हैं कि दिव्या की लाइफ में जो भी आए वो उसे खुशी दे? सो ट्रस्ट मी, मैं जो भी कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कि इस फैसले में दिव्या की खुशी है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। प्लीज घर जाइए और हो सके तो इस रात को भूल जाइए।
ने सारा दोष अपने सर पर क्यों ले लिया? Because I love you. मेरे होते हुए आप पर कोई उंगली उठाए मैं सह नहीं सकता। मैं बहुत बुरी हूं, बहुत बुरी, जिसकी भी जिंदगी में आती हूं उसे सिर्फ दुख देती हूं। पहले राज का दिल तोड़ा और अब आपका। दिव्या, आपने मेरा दिल नहीं तोड़ा। आई जस्ट डिड व्हाट आई फेल्ट वाज राइट, जो सही लगा किया। एक बात दिल से बोलूं, मैं उम्र भर आपकी राह देख सकता हूं। के काम पे जाने से पहले अगर दिव्या आ जाए तो अरे वाह भाभी, क्या बात है, आपके चेहरे पर कितने दिनों के बाद ही मुस्कान देख रही हूँ। मन करता है आपकी फोटो खींच लूँ। यहाँ देखिए। नहीं 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 भाभी, आपके चेहरे पर ये मुस्कान ना बहुत अच्छी लगती है और ये मुस्कान मुझे हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, ठीक है ना? बहू रानी, हो गई सफाई? हाथ तो नहीं दुखने लगे? चल मैं मालिश कर दूं। झटकनी हाथ में लेके घूर क्या रही है, सफाई कर। माँ, भाभी इतने दिनों के बाद खुश नजर आ रही है और चुप कर, अपना काम कर जाके। खुश तो होगी ना निकम्मी, जल्दी जल्दी हाथ चला। तेरे मायके वालों ने दहेज में ना दी है झटकनी जो छाते के लगा के बैठी है। झटकनी से लेकर बेडरूम के पलंग तक सब कुछ तो झटक लिया मेरे मायके से। 10 साल हुआ है इस शादी को और आज भी दहेज की चीजें इस्तेमाल हो रही है इस घर में। आपके कमरे की जो अलमारी है वो भी तो मैं ही लाई थी ना दहेज में, भूल गई क्या? हाथ ना मुट्ठी फरफरा उठी, जाना बोली ना जीप काट के उसी अलमारी में रख दूंगी, आई समझ में? जल्दी जल्दी हाथ चला। तेरे ससुर जी आने वाले, फोन आया उनका। दोनों कमरे सफाई कर जल्दी से। छचुंदरी शकल देखो इसकी, जब बंदर का मुंह ले रही, बेशरम कहीं की। बाबूजी के सामने अगर दिव्या आ गई तो बस क्या हंगामा हो जाएगा इस घर में। दिव्या आ गई। तुम आ गई, आओ आओ ना।
तुम्हारी तो शादी तुम्हारे कारण मैं अपनी शादी की रस्मों को अधूरा छोड़कर आई हूं। मैं कैसे किसी और की पत्नी बन सकती हूं जब तुमने सरिता को अब तक उसका अधिकार नहीं दिया है ना। देखो उसकी तरफ कितना चाहती है वो तुम्हें, तुम्हें पाने के लिए वो मुझ तक आई है। सोचो कितना झुक गई है वो पति की प्रेयसी के आगे। उसने अपनी झोली फैलाई है जो आज तक उसके कहने पर तुमने कभी नहीं किया। वो चाहती है मैं तुमसे करवाऊं, इसीलिए मैं यहां आई हूं।